ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइलों से किया हमला। हमले के बाद ईरान की संसद में जश्न। ईरान बोला जरूरत पड़ी तो आगे भी कार्रवाई। शिया धर्मगुरु कल्बे जवाद ने भी ईरान का किया समर्थन। ईरान इसराइल तनाव के बीच भारतीयों के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी। ईरान जाने से बचने की अपील। ईरान में रहने वाले भारतीयों को दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह। थोड़ी देर में प्रशांत किशोर लॉन्च करेंगे अपनी पार्टी। पटना में समर्थकों का भारी जुटान। Thank you.